ये वीडियो एक इमेजिनेशन है और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया, तो बस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो। हाँ फाइनली मैं कॉलेज में तो आ चुका हूँ और आज कुछ भी हो जाए मैं उसको प्रपोज तो यार देखो करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। चलो यार मैं उसके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, बट वो है कहाँ पे यार, इतनी बड़ी हमारी कॉलेज है। इन लोगों को भाई मैं जानता भी नहीं हूँ यार, अनजान से बात नहीं करते। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा दोस्त कहाँ चला गया, वो दिख गया मुकेश। हाँ भाई तू क्या कर रहा है? हेलो भाई मुकेश, क्या चल रहा है? जिंदगी में भाई बहुत दुख है यार। देख यार आज मैं बहुत ज्यादा अपना रोज का रोना पर चालू करा कर भाई एक तो मेरे सामने। अरे नहीं मैं रोना धोना नहीं चालू कर रहा भाई, तू सुन देगा आज कुछ भी हो जाए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, आज मैं उसको प्रपोज करके रहूंगा। तू बता आयशा कहाँ पे, ये देख मेरे हाथ में देख, उसके लिए गिफ्ट चॉकलेट बहुत कुछ लाया, वो है कहाँ पे जल्दी से बता। तू उसको प्रपोज करेगा? चल ला भाई तेरी शक्ल देखी तू ने। यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे मत बोल। वो बता भाई कहाँ पे, तू तो चाहता है ना कि मेरा कोई बन जाए। ये हमारी बातें क्यों सुन रहा है? मैं चाहता हूँ तेरी बने, लेकिन मैं नहीं चाहता ना तेरी बेइज्जती हो। भाई वो मैं देख लूंगा, तू ज्यादा बोल मत मेरे को बता। तूने तेरा शक्ल देखा है इसकी, कहाँ पे तू कोयले के खदान से काम करके आया? तब भी मेरे पास बंदी तो है ना भाई। है ऐसा क्या? फिर उसी को तो मैं लूंगा। जा चल वहाँ कैंटीन एरिया में जा। भाई देख थोड़ा सा ना डर लग रहा है यार, देख स्कूल आ जाए कर भाई, चीजें पता चल जाएगी। भाई कॉलेज में पढ़ते हैं, नेवर माइंड, घबराइयो मत। मैं नहीं घबरा रहा यार, मैं देख के उसको जाके आज मैं प्रपोज करके रहूंगा कुछ भी हो जाए। ये रही। हेलो आयशा कैसे हो? आई एम गुड। और क्या कर रहे हो इनके साथ, खाना बनाने वाले कॉलेज के, इनके साथ क्या कर रहे थे तुम? डांस सीख रही थी। अच्छा वैसे तुमको नाचना थोड़ा, अरे मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, देखो ना मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो थोड़ा क्या साइड पे आओगे? देखो मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। क्या बोलूँ यार, मैं सब भूल गया यार, जो जो प्लान करके आया था मैं सब भूल गया, क्या बोलूँ। अबे वो देखो यार मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई, तू कुछ तो भाई उधर से हेल्प कर रहा है मुकेश। ओ मेरे भाई ने भाई यहाँ पे पिकअप लाइन लिखा है, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। तुम ना मेरे को बहुत पसंद हो यार, बहुत दिन से मुझे ये बात बोलनी थी कि मैं ना तुमको पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए एक मस्त सा पिकअप लाइन भी मैंने सोचा है। आजा तुझे ले चलूं आसमान में, चांद को उसकी औकात दिखाने। भाई ये तो मेरे पे हंस रही है, खुद का औकात देखा है, निकल यहाँ से नू। भाई ये मुझे मार के भगा रही है यार। यार आज ना मैं ये स्कूटी को यार भाड़ा करके यार लेके आया कॉलेज में, स्कूटी बाइक कुछ ना रहे ना यार, इज्जत नहीं मिलती सही में। दूसरी एक और है जो मुझे थोड़ी पसंद है, जिसका नाम है वो, ये तो सामने ही है। और रियल यार दैट गाय इज सो कूल। संजी क्या मेरे बारे में बात कर रही है? ओए हो सकता है ऐसा। हेलो संज, यू क्यों लिखा? संज देखो यार मैं ना कल ही रात को न्यू स्कूटी खरीदा, चलो स्कूटी पे ना मैं तुमको घर पे छोड़ देता। नहीं आई विल कॉल माई डैड, तुम परेशान मत हो। अरे यार इसमें परेशानी की क्या बात है यार, ये कौन हॉर्न बजा रहा है? फरान, अबे ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है यार, आई हेट दिस गाय मैन सीरियसली। हाय क्यूटी पाई, किसको बोल रहा है ये क्यूटी पाई? मे आई ड्रॉप यू? ओए तुमने तो अभी बोला कि तुम अपने डैड को बुलाओगी, डैड के साथ जाओगी, इसके साथ क्यों जा रहे हो तुम? आई विल लव टू गो विद यू। भाई मेरे साथ नहीं गई वो, उसके साथ बाइक में चली गई यार, ये क्या है भाई? भाई देखो कैसे डिंगे मार रहा है मेरे सामने, तू मेरे सामने फिर से कैसे आ गया, क्यों आ गया भाई, हंसने के लिए आ गया भाई, इसकी भाग यहां से। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है यार, मैं मेरा स्कूटी के घर जाता हूँ यार। भाई सही में यार ये दोनों मेरे को पसंद है, ये तो भाई ये तो यार गोल्डी का निकली यार, वो देखो यार उसके साथ यार चली गई बाइक देख के, क्या मेरे स्कूटी में जा नहीं सकते थे? स्कूटी क्या गाड़ी नहीं होती भाई, और मेरे सामने से ही देखो ये जा रहा है यार। मैं बोला कि संच मेरे साथ चल ले, मेरे साथ नहीं गई वो, उसके साथ जा रही है। छोड़ो यार कोई नहीं यार, ये लड़कियां ऐसी ही होती है यार। यार मेरा ना मूड खराब हो गया यार सीरियसली, मैं सोचा कि संच एटलीस्ट यार वैसी नहीं होगी, ये तो यार सीरियसली मेरे को क्या झूठ बोली। और अभी समझ आया मैंने जब उसको हाय बोला उसने यू क्यों बोला। अबे इधर तो रास्ता बंद है। छोड़ो यार मैं आज एक गड्ढे पे ही भाई यहाँ पे कूद के, नहीं यार मैं क्यों मरूं भाई उनके लिए, भाई पागल हूँ क्या मैं? ये क्या है? हजरत बाबा प्रेजेंट्स हैं, $20 फीस। अरे ये कब भाई, ये बाबा कहाँ से आ गया यार, ये ढोंगी बाबा होगा यार। सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, जल्दी चलो वो बाबा ही मेरे को इस चीज का सॉल्यूशन देगा, मैं इनको कैसे पटा सकता भाई? बाबा लोग सब कुछ कर सकते, जल्दी भागो अभी। ये देखो ये रहा बीजी रोड यार, कैसे बीजी रोड पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके ये देखो बाबा की गुफा, इधर आगे तो पूरी जंगल दिख रही है, जंगल बायो में। ओए इंसेक्ट ओए भाई तू सही में मेरे को फॉलो कर रहा है? अरे फॉलो नहीं कर रहा था, ये तो बाबा का कोठा है ना, तू इधर क्या कर रहा है? तेरे से मतलब? अरे सही बता तू बाबा के कोठे पे क्या कर रहा है? सही में तेरे को कोई गुप्त रोग तो नहीं है ना? भाई तू इधर सीधा निकल जा यहाँ से, मैं इसकी बहुत मारूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, इधर से निकल, तू निकल निकल जा, तेरा बाइक तोड़ दूंगा मैं। ओए बाइक पे नहीं, चल इंसेक्ट को गुप्त रोग है।
भाई मैं मारूंगा यार तेरे को, तेरे को मैं बताऊंगा कॉलेज में। भाई इसको तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी मैं बाबा से मिलता हूँ। यार ये भाई हरामी है यार, ये बंदा कॉलेज में सबका यार टांग खींचता रहता है, सबसे ज्यादा मेरा। हजरत बाबा का कोठा, मैं आ चुका रुको यहाँ पे ना, मैं मेरा स्कूटी को पार्क करता हूँ। बाबा की जय हो, बाबा जी प्लीज मेरी मदद करो यार, मैं बहुत परेशानी में हूँ यार, बाबा प्लीज मेरी मदद करो। आए बाबा देखो यार, मैं ना साफ साफ आपसे बोलता हूँ, आपसे क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी हो ना, बहुत ज्यादा अंदर से लोनली फील करता हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे ना एक जीवन साथी चाहिए। तो मैंने कॉलेज में दो लड़की मुझे पसंद थी, तो मैंने उनको प्रपोज करने का ट्राई करा, दिख नहीं रहा, मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, क्या बोलते, क्षमा करे, गलती हो गई मेरे से, क्षमा करे, आप मेरी मदद करिए। तो मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं उन दोनों में से कोई एक भी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो चलेगा मेरे को, दोनों में से कोई भी मेरे को नहीं पसंद करते, नफरत करते मेरे से वो लोग। समझ गया कि दिक्कत क्या है। समझ गया, तो बताइए इसका हल क्या है। एक तो बेटा कम बोल लिया करो, मर नहीं जाओगे। ठीक है मैं कम ही बोल लूंगा, आप बोलो तो मैं मेरे मुंह पे टेप मार लेता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा, आप बस बता दो कि मैं उन दोनों में से किसी एक को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। मुंह पे नहीं, गले में रस्सी डाल के लटक जाओ। इमोशनल डैमेज। बाबा आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो, सीरियसली? जो भी लड़की तुम्हें पसंद है उनका कोई सामान लेके आओ। सामान से मतलब? ऐसा कुछ सामान लेके आना है जिससे उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट हो। ओहो बाबा को तो अंग्रेजी भी आती है। ओके 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 बाबा जी मैं समझ गया, हजरत बाबा की जय हो। फीस कौन देगा, तुम्हारा पापा जी? ओ नहीं सॉरी बाबा जी, मैं फीस लाता हूँ ना, मैं जब उनका वो सामान लाता हूँ तभी आपका फीस भी लाता हूँ। अपना वो घटिया सा स्कूटर यही छोड़ के जाओ, मैं लेता हूँ, मैं इस बाबा की लेता हूँ। रुको, ओ भाई ये तो पीछे पीछे देखने के लिए आ रहा है कि मैं स्कूटी सही पे छोड़ के जा रहा हूँ कि नहीं। भाई ये बाबा है कि भाई खूनी है, ये तो मुझे मार देगा। देखो 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 बाबा जी देखो, इस किताब में ना बहुत ही अच्छी अच्छी क्या बोलते हीरोइंस का फोटो है, आप वो रखो, मैं बस स्कूटी लेके उनका सामान लेके आ गया। दो मुझे दो। देखा बाबा जी तो भाई साहब फुल मूड में है, बस तीर घुसा दिया मेरे में। कोई और अच्छी लड़की हो तो उसका भी सामान लेते आना मेरे लिए। ए भाई बुड्ढे, तेरे लिए मैं इसकी घंटा ले आऊंगा, साला बुड्ढा। बुड्ढे में भाई जवानी नहीं जा रही इसकी। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, मैं ना अभी संच के घर पे वो ना नीचे ही है, यहाँ पे इसका वार्डरोब है, वार्डरोब पे यार उसका कुछ तो सामान होगा। ओए ये क्या मिला है भाई? क्लॉथ्स एंड हैट। भाई पता नहीं यार, ये उसी का ही होगा, उसका घर है। और ये लड़की वाला ड्रेस दिखा मेरे को तो। ओ ये रही संच। अच्छा तो शायद ये रात के टाइम पे नहा रही है, बट कोई नहीं यार, मेरे को उससे क्या, मुझे तो बस उसका सामान चाहिए। ला ला ला, तो गाइस जस्ट अभी उसने ये सामान भी यहाँ पे रखा है, तो इससे यहाँ पे क्या जो मिल रहा है वो उठा। ओके सो ये रही यहाँ पे आयशा, लेट्स गो। मैं इसका क्या सामान लूं? मैंने इसको जस्ट ना पानी पीने का आवाज आ मेरे कान में आया कि ये पानी पी रही थी जस्ट। ये बॉटल शायद हो सकता है, ये बॉटल से वो पानी पी रही थी, तो इस पे उसका बॉडी का टच मतलब वो पानी पी रही थी यार। अभी सीधा बाबा के पास चलो ये सामान को लेके। बाबा जी मैं आ चुका हूँ वो सामान लेके, ये लो आपका सामान। आपने वो फोटो देखा ना, कैसा लगा आपको? मुंह बंद, मेरे साथ स्कैम करते हो? कौन सा स्कैम किया? वैसे वो तो मेरी पढ़ाई की बुक थी यार, उसमें कोई फोटो नहीं था। ये क्या मॉडल्स थी? मॉडल्स मुझे आंटी से, आई लव आंटी। ऐसी कोई फोटो भी तो नहीं थी, वो तो मेरी पढ़ाई की बुक है। देखो मैं लेके आया उन दोनों का सामान, ये एक ये बॉटल इस पे पानी पी रही थी, और ये दूसरा उस सर की फूल वूल जो की लगाई थी। दो जन का लेके आया हूँ, दो पोर्शन मेरे लिए बना दो प्लीज। इन दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? कोई भी नहीं यार, दोनों उतनी अच्छी नहीं दिखती है यार। मेरे पसंद पे तू नजर डाल रहा है साले बुड्ढे? मेरी चिंता मत करो, तू मुंह फट भिखारी। पैसे तो दिए नहीं जाते, अभी देता मैं आपको पैसे। देखो बाबा मैं लाया हूँ पैसा, 32 ले लो 12 सगुन के नाम पे। क्या बनाएंगे, क्या मतलब क्या होगा? मैं वो ड्रेस या जो भी मांगा। ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया? लड़की पटाओ, अकेलेपन दूर भगाओ। ये क्या है? अकेलेपन से परेशान, फिर किस बात की देरी? करो आग बंद और पी जाओ। इसमें से कौन सा किसका है? किसी का तो नाम नहीं लिखा है ना, मतलब दोनों में से कोई एक पीऊं तो वो जिसका होगा वो लाइक पट जाएगी मेरे पे, है ना? ऐसा है ना, और तुम्हारी किस्मत में जो होगी उसका पहले पियोगे। अच्छा भाई जादू तो है भाई साहब, बाबा में जादू तो है। दोनों में से एक पिया तो वो उसमें जिसका सामान है वो मेरे पे इम्प्रेस हो जाएगी और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बट ये बाबा की जो हरकत है ना, ये मुझे ढोंगी बाबा लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना ये दोनों को पी जाता हूँ। भाई देखो यार मेरी किस्मत इतनी खराब की भाई मेरे को कोई भाव नहीं देता, कोई घास नहीं डालती, मैं तमीज में बात भी करने जाऊँ तो लोग मेरे को थप्पड़ मार देते। भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये फालतू सा यार कोई ये
पोषण वोषण पीने पे भाई मेरे पे कोई दीवाना होगी तो गाइस मैं काम करता हूँ, मैं तो भैंस की टांग दोनों पी रहा हूँ, एक पीली दूसरी भी पीली भैंस की। अब मैं जाता हूँ, अभी तो भाई अपना कॉलेज का भी टाइम रहा है, चलो चलो मैं कॉलेज जाता हूँ दोनों पीली भैंस की, मैं देखता हूँ क्या होता है। ओके मैं कॉलेज पे तो आ चुका हूँ, और भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बोला कि वो लोग क्लास में ही है, और ये देखो यहाँ पे नेम टैग दिख रहा है, क्या यार ऐसा भी नहीं है भाई, इन पे ना बातचीत चल रही है अभी, मुझे देख रहा है यार, मैं डरा हुआ यार क्योंकि फिर से मेरी बेइज्जती ना हो जाए। पूरी क्लासरूम पे तो कोई भी नहीं है, ये देखो ये दोनों इधर बैठे है भाई संच के साथ, वो इंसेक्ट ही फटी चर है इसकी, मैं फटी चरना अब देख क्या होता है, तेरी भैंस की डांग बेइज्जती होगा, क्या बोलना चाहते हो? एक सेकंड फटी चर तो तुम हो, माय गॉड ये तो काम कर रहा है, देखो संज ने क्या बोला, इंसिक के बारे में कभी मत बोलना। अभी तो कौन निकलू यहाँ से, भाग यहाँ से। ए किसे बोल रहा है वैस की, तमीज में बात करे परान, आज तो तेरी गेम बजाऊंगा वैस की। भाई पोषण तू काम कर रहा है, परान बोल रहा है तू बजाएगा क्या भिखारी? हाँ मैं ही बजाऊंगा तेरा वैस की, सुन ले तमीज में बात कर इधर, ठीक है? परान जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर, ओहो मुझे और इनसे को अकेले छोड़ दो। भाई धोखेबाज तो नहीं था, देख लिया तुम्हें भी, हाँ निकल चोमू यहाँ से भाग। हाय सन सॉरी, वो उस दिन ना मुझे तुमको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, मैं आके बोल रहा था ना तुम्हारे दोस्तों के सामने कि मेरे साथ स्कूटी पे चलो, सॉरी उसके लिए, उस पर ध्यान मत देना इंसेक्ट। अरे हाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा उस पे, बाढ़ में जाए यार वो बहुत ही बेकार बंदा यार, फिर मैं जा रहा हूँ। ओके संज बाय। ओके गाइस मैं ना ये नाटक मार रहा हूँ, देखता हूँ क्या वो मुझे बुलाती है। अरे रुको ना, यहाँ पे मैंने फरहान को देखा था, वो हमारी बातें सुन रहा था क्या? अरे रुको ना, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? ओ भाई तू काम कर रहा है, माय गॉड लेट्स गो। क्या हो गया, काम हो गया? ये कुछ कमरी तो मैं बुकिस को दूंगा, अपन साथ में कुछ करते। संच तुम्हारा अभी एक क्लास था ना? अकेले भी है, कोई और भी नहीं है। क्या मतलब, क्लास तो होती रहेगी। अरे नहीं नहीं सुनो ना, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यार क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी बात बात करने जाए और ऐसे क्लास मिस हो जाए, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम समझ रहे हो ना, तो तुम ये वाला क्लास कर लो। वो मेरी मम्मी भी ना मुझे कुछ तो देने के लिए आई है, तो वो मैं लेके फटाफट आता, सैड मत हो सबका ना। हाँ हाँ मैं आता ना। ओ चलो 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 मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो। भाग तो नहीं जाओगे? अरे क्यों भागू मैं तो यही चाह रहा था भाई, ये बोल रही मैं भागू यार, मैं कब से यही चाह रहा था कि भाई साहब ये मेरी तो कोई तो बन जाए गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, बट आज फाइनली वो हो रहा है। भाई वो कहा है मेरा दोस्त, कहा है उसको बता दी है ये कहानी। भाई मुकेश तू क्या कर रहा है, इस नूबड़े से क्यों लड़ रहा है भाई? अभी सुन भाई, बहुत खतरनाक न्यूज है भाई मेरे पास। तू मेरे पास खतरनाक के नाम पे फिर अपनी बकवास भाई, वो लड़की मेरे पे इम्प्रेस हो गई, सुन ले। क्या ए पीटर, थोड़ा बाद में बातचीत होगी। भाई तू इधर आ, भाई तू इधर आ मेरे। भाई सुन 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 सुन, पता क्या हुआ भाई, मेरा कल वो दोनों लड़की को मतलब ट्राई प्रपोज करने का ट्राई करा, दोनों ने मेरी बहुत गंदी बेइज्जती मारी, मतलब रोज वाली हरकतें हुई। भाई तू सुन ले यार, ऐसा मत बोले यार। देख मैं ना फिर सैड हो गया ना, ऐसे घूम रहा था, मुझे एक पोस्टर दिखी बाबा की, ऐसे कि वो बाबा कोई भी समस्या का ऐसे हल दे सकता है। ओए पीटर भागना तू यहाँ से, क्या सुन रहा हमारी बातें? ए तू भाई बातें सुन रहा है? भाई मारूंगा मैं बहुत। जा रहा हूँ। हाँ तो ना मैं ना उस बाबा के पास पहुंचा। भाई तू वापस बाबा के चक्कर में पड़ेगा। अरे नहीं मुझे भी लगा था कि भाई ये बाबा ढोंगी है। अबे बाबा बाबा सब ढोंगी होते हैं। बाबा ने मेरे को एक ऐसा पोषण बना के दिया है, पिया ना जब वो पोषण, वो फरहान को जानता ना तू? फरहान? हाँ फरहान। अब देख बस तू ये मत बोलना, वो पोषण पीने के बाद उसने फरहान को डिच कर दिया, तेरे साथ आने। ऐसा ही हुआ है भाई, उसने फरहान को गाली दे के मार के भगाया। चल भाई तू इतना 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 बेवकूफी मत समझ, माना मैं फेल होता हूँ तेरे साथ, इतना भी नहीं हूँ मैं बेवकूफी, तू कुछ बोले मान लू। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे तू आ जा, तेरे को मैं प्रूफ देता ना भाई, प्रूफ दे दूंगा तो हो जाएगा बात। हाँ चल ठीक है दे, तू अब तू तू दे भाई। नहीं ये देख, ये रही संच, ये रही संच। हेलो संच, हेलो देखो मैं आ गया भाई। क्यों मार क्यों रहे हो? अरे देख लिया कुछ नहीं है, सब है। पैस की कुछ नहीं है ना, तू रुक जा संच, तुम बाहर आओ ना यहाँ से, बाहर आओ भाई। ये तो सच में बाहर आ गई, फूल देख के। चले फिर अभी आज थोड़ा कोई रोमांटिक सा जगह, मतलब पीसफुल जगह पे घूमने चले। पढ़ना आता है ना सर आपको? भाई सुन लड़की का चक्कर बहुत खराब है, लड़कियाँ सिर्फ दिमाग खराब करती है। भाई अब तेरी जल रही है ना, अब तेरी जल रही है वैस की, ये कॉलेज की इतनी सुंदर सबसे सुंदर लड़की है ना कि अभी मेरे पीछे तेरी जल रही होगी वैस की। मुझे तुमको कुछ बोलना है, ये लो पॉपी और मुझे पप्पी दे
दो क्यूटी भाई, तू पढ़ रहा है ना भाई, तो कुछ ज्यादा ही पोषण का इफेक्ट। इसको मैं अभी देख प्रपोज करता हूँ और देख क्या होता है। सच देखो, अभी कुछ दिन बाद ही वैलेंटाइन आ रहा है, सो विल यू बी माय वैलेंटाइन? तुम सच्ची में मुझे प्रपोज कर रहे हो? आई लव यू, मतलब तुम मुझे बहुत पसंद है यार, और आज फाइनली मुझे बोलने का वो मौका मिला। आई कांट बिलीव दिस, OMG, क्या है, देख लिया। तो तुमने अपना आंसर अभी तक दिया नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? यस यस, देखा भाई, हाँ बोल दिया, देखा भाई, तूने देखा भाई, साले क्या देख रहे चुमू? इसको सही में बंदी मिल गई, सपना है, मेरे को कोई चूती लाता भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई, बस ऐसे मजाक में बोलता रहता हूँ, बंदी मेरे को बंदी नहीं मिल रही और इसको मिल रही। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे को क्या बंदी नहीं मिल रही? क्या वो मजाक? अरे सन चलो यार, अभी चलो कहीं पे घूमने जाते, चलो कॉफी शॉप पे जाते, और हमारी तुम्हारी जोड़ी इस कॉलेज में याद रखी जाएगी। मुझे मेरा स्कूटी भाई भाड़े पे नहीं, आज तो भाई लोन लेके मैं वो स्कूटी को खरीद ही लेता हूँ। स्कूटी क्या, मैं एक बाइक ही खरीद लेता हूँ ना मेरी संच के लिए। तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है तुम्हें, प्यार आ जाता है। वो तो मैं हूँ बहुत प्यारा यार। संच ये देखो, यहाँ से देखो कितना प्यारा, देखो व्यू आ रहा है ना, कितना ही रोमांटिक सा, देखो एक व्यू आ रही है, वाओ यार। एक राइड करे क्या? मैं आज ही जाके एक न्यू बाइक खरीद के लाऊंगा तुम्हारे लिए, फिर दोनों बैठ के मस्त राइड करेंगे बाइक पे। जो भी है तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं है। ओ माई गॉड भाई, ये तो फुल लाइन मार रही है मेरे पे भाई, बाइक की क्या ही जरूरत है। हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें गोदी पे उठा के लेके घूमता हूँ ना, तुम्हारा वो स्कूटर ही अच्छा है। ओ भाई देखा भाई, अब आई ना लाइन पे भाई, गर्लफ्रेंड को ऐसी होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड के पास जो है उसी पे खुश रहो भाई। वो स्कूटर मेरा भाड़े पे यार, मैं बोलना नहीं चाहता, अगर टूट फूट जाए कुछ सीन हो जाए गाइस। ओ माई गॉड, हम दोनों कितना ही प्यारा क्यूट लग रहे गाइस, देखो। चलो मैं मेरे घर पे तो आ चुका हूँ। ओए मेरे मेल बॉक्स पे कुछ चीजें भी आया क्या? रुको, ओए कुछ तो आया है भाई, ये क्या चीज है भाई, कौन ही चिट्ठी विट्ठी भेजता इस टाइम में? इनविटेशन विद लव, ये कौन सी चिट्ठी हो गई भाई? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, ये टेढ़ा करके, दिसो दिस इज लव है, स्पेशल पार्टी। रुको, ये कोई फोटो है ना, तो मैं ना इसको यहाँ पे ना दीवार पे लगाता हूँ। तो ये क्या लिखा है, सो दिस इज लव स्पेशल पार्टी फ्राइडे 15th December है। आज कौन सी तारीख, अभी तो 15th December है, एट 10 PM मतलब रात के 10 बजे, विक्टोरियन गार्डन्स। ये मेरे को कौन ये पार्टी में इन्वाइट करा है? ये मुझे लग रहा है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का कारनामा है मुकेश का, कि भाई मेरी ऐसे बहुत टाइम बाद गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन गई है, तो शायद मेरे को पार्टी देने के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया है। मैं जरूर जाऊंगा रात के, कितना 10 बजे ना, अरे लेट्स गो भाई। ओके, तो रात का हम लोग इंतजार करते। पड़ोसियों को जला के भाई बहुत ही मजा आता है, सीरियसली भाई। ओए ओए क्या देख रही है लड़की, भाग जाए यहाँ से। एंड अभी ना मैं जाने वाला उस पार्टी में, गैस कर लिया, सही गैस कर लिया, तो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज पार्टी नहीं है कि मैंने भाई पार्टी के लिए वो पार्टी का बताया था, वो क्या विक्टोरियन गार्डन जो भी है वो इधर कहीं पे पड़ता है। इस जगह का ना रेंट सही में बहुत ज्यादा है, तो मेरे फ्रेंड ने अफोर्ड कर लिया साला, उसके पास इतना पैसा आया, दिख भी रहा है क्या? चुके देखो क्या, जूम वूम करके कोई नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो भाई यार ये मेरे साथ कोई प्रैंक व्रैंक तो नहीं हो रहा? हो सकता है यार मेरा फ्रेंड यहाँ पे बुला के मेरे साथ कुछ करे, मतलब कोई प्रैंक प्रैंक करे मेरे साथ। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे कुछ भी तो नहीं दिख रहा। अबे कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या भाई, ये तो सही में यार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना अंधेरा क्यों हो गया भाई यहाँ पे? कुछ यार घोटाला भाई, कुछ तो मेरे साथ यार सीन होने वाला यार, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी तो यार स्पॉन नहीं कर देगा वो? मुकेश साले कैंसर हो गया क्या? ओह माय गॉड, मैंने कैंसर की क्या स्पेलिंग लिखी है, वाओ यार मेरे को डर लग रहा है, मैं क्यों आया यहाँ पे यार? अब ना मेरे को सीरियसली गुस्सा आ रहा है, क्यों हो रहा है इतना ज्यादा अंधेरा, क्यों? हट तू आयशा, ओए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमको भी इनविटेशन आया क्या इस पार्टी का? नहीं बट तो और लोग कहाँ है इस पार्टी में, तुम एंड मी? सेकंड क्या मतलब मैं और तुम? भाई संज ने, संज को अगर पता चल गया मैं यहाँ पे किसी जंगल में रात में एक लड़की के साथ हूँ, अद्दक तुम ऐसे घुटने पे क्यों बैठ गई है, क्या हो रहा है? तो तुमने मुझे इन्वाइट करा था क्या? तुम्हारे लिए? क्या मतलब मेरे लिए? ये क्या चल रहा है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो हाथ में फूल वूल लेके? मैं बहुत टाइम से तुम्हें बोलना चाहती थी। व्हाट डू यू मीन भाई बोलना चाहती थी? क्या बोलना चाहती थी? जब से तुम्हें देखा है पता नहीं कुछ हो जाता है। ए, तुमको कुछ हो गया क्या? नशा वशा करके आई हो? तुम्हारा नशा हो गया? अबे तुम क्या बोल रहे हो यार, साफ साफ बोलो, देखो यार। चलो ठीक, हाँ बताओ क्या है, मतलब सीधा सीधा बोलो क्या है, तुमने क्यों बुलाया यहाँ पे? मैं ऐसे रोमांटिक प्लेस व्लेस बना के क्या सीन है, साफ साफ बोल देती हूँ। हाँ बोलो, बट तुम शॉक नहीं हो गए? अरे तो ऐसी क्या बात, तो है बात है कि मैं शॉक हो जाऊंगा। आई रियली रियली लाइक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय। कब, कैसे, क्यों? मतलब इतना ज्यादा दर्द यू कांट इवन इमेजिन। अबे कैसे, क्यों, कब हो गया ये? भाई पागल हो गया भाई। जब मैंने यार प्रपोज करने गया तो मेरे को थप्पड़ मारी थी इसने। अबे आयशा ये क्या हो रहा है? तुम कोई मजाक कर रहे हो ना? तुम मतलब प्रैंक प्रैंक कर रहे हो? कैमरा वैमरा कहाँ पे बताओ? अब तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो और चलो मेरे साथ। व्हाट द हेक? अबे ये क्या है भाई? अब मेरे को समझ आया भाई, वो बाबा का मैंने जो दो दो पोर्शन पिया था उसकी वजह से ये कांड हुआ है। देखो आयशा, मैं समझ रहा हूँ यार तुम्हारी भावनाओं को, बढ़ रहा है, ये नहीं कर सकता यार। ऐसा छोड़ के चले जाओगे? यार ये कैसे बोल रहे हैं यार? देखो मैं किसी लड़की को ना ऐसे रुला नहीं सकता हूँ, मत जाओ। भाई ये कैसे बोल रहे हैं यार? और मैं ऐसे किसी को ना भी बोल नहीं पा रहा क्योंकि ये भी मेरे को बहुत पसंद थी ना। मैं रो दूंगी। नहीं भाई देखो, क्या बोलूँ मैं अभी, क्योंकि आयशा भी मुझे बहुत पसंद थी। क्या बोलूँ अभी के लिए? हाँ बोल देता हूँ ताकि ये वरना रो, क्योंकि यार कुछ करवर दिया, रो रही है। अभी के लिए हाँ बोल देता हूँ, बाद में मैं कुछ तो सॉल्व कर लूँ, मतलब कुछ तो कर लूंगा मैं। तुम चले जाओ। अरे नहीं नहीं सुनो आयशा सुनो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा प्रपोजल को। आई लव यू टू। क्या दुविधा में फंस गया? क्यों पिया था वो दो पोषण में? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। या जाने मन पटाखा फट रहा है भाई, पटाखा क्यों फट रहा है? मेरी जिंदगी का पटाखा फट जाएगा अगर सच को पता चला तो। मैंने सुना भाई वो कुंग फू कराटे भी जानते हैं यार। अच्छा आयशा देखो, बहुत ही बढ़िया यार, तुमने बहुत ही रोमांटिक सा फेस बनाया है। मेरे को ना काम है, मुझे थोड़ा कहीं पे जाना भी है, तो बताओ अभी क्या करें? ये हमारे प्यार का सेलिब्रेशन। हाँ समझ रहा हूँ, प्यार का मेरा बैंड बजाने का सेलिब्रेशन है ये, सीरियसली। लेट्स गो बेबी, चलो बेबी, मेरी जिंदगी झंड हो गई भाई, सही में। मुझे मेरे दोस्त के पास जाना पड़ेगा। तो पापा को कुछ तो बुखार हुआ है, तो उनको लेके ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो तुम समझ रही हो? या फिर कल सुबह कॉलेज में मिलते, क्या बोलते हो? मुझे पिक करने आना देन। हाँ जरूर पिक करने आऊंगा, दोनों को पिक करके लेके जाऊंगा। मैं जाता हूँ भाई। मुकेश तू किधर है यार, किधर छुपा है भाई? जल्दी चलो भाई। मैंने ये क्या कर दिया यार? मैं इमोशनल वो यार, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, सही बता रहा हूँ। मैं इमोशंस में आके यार उसको हाँ बोल दिया, हाँ नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, सीरियसली। फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव, सच को तो मैं ना नहीं कर सकता ना। मुकेश तेरे, ए मुकेश भाई जल्दी नीचे आ। भाई इंसेक्ट की आवाज है क्या? सो रहा है क्या? अरे भाई तो रात को बंदा सोएगा नहीं तो क्या करेगा भाई? तेरा सोना इधर, मेरी नींद हराम हो गई भाई, तू नीचे आ जल्दी 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 नीचे आ। वो सामने आ। काम बताना तो भाई, मैं सो रहा हूँ। काम सुन के भाई तेरा फट जाएगा। तो जब से तू आया ना मेरी फटी पड़ी, आज और फट जाएगा भाई मेरे साथ। क्या हो गया यार ये? भाई यार तू मेरे को ये देखिए क्या है, बोल। ये वो तोहफा है जो तूने किसी को दिया था। आयशा को दिया था वो उस दिन प्रपोज करने में, कैंडी का वो खरीदा था मैंने मेरे पॉकेट मनी से, ये मैंने उसको दिया था। तो आज ना संज ने मेरे को प्रपोज करा था कल, आज। यार कब करा था उसने मेरे को प्रपोज? पे ना एक चिट्ठी आई थी ऐसे इन्विटेशन का, रात में क्या मुझे लगा कि तूने मेरे लिए रखा है सरप्राइज पार्टी। तो वहाँ पे पता है कौन थी? संजी होगी और कौन होगी? घंटा आयशा थी वहाँ पे। क्या मतलब वापस भी चिट्ठी करने के लिए बुला लेगा तेरे को? अरे तो भाई मुझे भी वही लगा कि कोई ट्रैक कर नया, इसमें नया क्या है ये बताना। तो इतना फटाका पड़ा तेरी रोज से बेइज्जती होती रहती। अरे तो भाई उसने मेरे को ये फ्लावर देके प्रपोज करा, दो पोषण दिया था ना, मैंने इन दोनों का सामान चुराया था। देख मैं तेरी मदद तो करूंगा लेकिन एक बार बाबा का पता देगा क्या? मतलब ऐसा नहीं मुझे कुछ काम है, बस इनको देखना है कौन है। बाबा के लोचे में मत पड़ भाई, वो बाबा बड़ा हरामी। तो किसने बोला था कि दोनों पीने के लिए? बोला ना बाबा ने। मुझे लगा ढोंगी बाबा, बाबा बाबा ऐसे होते थोड़ी है, मुझे कैसे पता यार कि ऐसे लोग काम भी करते हैं। फिर गया क्यों पहले ये बता? उस टाइम दिमाग खराब था मेरा तो चला गया था मैं। अभी तू उनको बोल कि मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? बाहर मतलब कुछ काम से, बोल दियो मामा मर गए, चाचा मर गए, चले जा 3-4 दिन के लिए बाहर। मैं ये बोलता हूँ मुकेश मर गया, वैसे उसकी टांग टूट गई, कैंसर हो गया उसकी टांग में। बाहर जा, तब तक मैं सोचता हूँ, अभी मेरे को सोने दे। ओके नेक्स्ट डे मैं कॉलेज पे आ चुका हूँ। हाय आयशा कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। हाय जानू की अभी लग गए यार। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे देख के खुश नहीं लग रहे? अरे नहीं मैं बहुत खुश हूँ, बट क्या है ना वो कल ना पापा को लेके वो डॉक्टर के पास गया था ना मैं, तो सीन हो गया यार। उनको ना यहाँ के लाइक ये जो हमारा सिटी है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है कि फीवर हुआ है ना ठीक कर सकते। उनको ना थोड़ा दूर शहर में ना लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा उधर ही अभी 1-2 दिन के लिए, समझ रहे हो? तो चलो आज का
कॉलेज का दिन पूरा तुम्हारे साथ गुजारता हूँ, फिर मैं रात को निकल जाऊंगा। झूठ बोलना पड़ेगा अभी भाई सा, ये बंदा साला फिर से देख रहा है भैंस की टांग। मैं अभी अंकल को देखने हाँ देखने के लिए मैं तुम्हें लेके जा तो सकता हूँ, बट उनको ना मैंने अभी तक मतलब कल ही हमारा रिलेशनशिप हुआ ना, तो मैंने उनको अभी तक बताया नहीं ना हमारे बारे में। को अभी बीमारी है तो पता नहीं अभी मैं जाके बोलूंगा तो क्या उनके ऊपर कुछ कैसा असर होगा। तो मैं उनको ठीक करके लेके आता हूँ, फिर मैं तुमसे पक्का मिलाऊंगा एकदम। तुम्हारी मेरी रिलेशनशिप के बारे में ना कॉलेज में सबको ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते ना, जलते हैं ठीक है आयशा, तो किसी को ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। अरे बताओगी तो देखो यार, लोगों के ना नजर भी अच्छे नहीं होते। हाँ देखो तो तुम्हारा ये वाला बिल्डिंग है ना, तुम जाओ, मैं थोड़ा सा मुकेश से मिलके फिर आता तुम्हारे पास। ए भाई ए ए तू साले क्या देख रहा है भैंस की यहाँ से, चुप भाग यहाँ से। अभी दूसरी कहाँ है मेरी, संच किधर है भाई, उसको भी जाके ये सेम बहाना चिपकाना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी दो दिन के लिए। भाई संच गाइस मेरे को ना दिख चुकी है। हाय बेबी संच, क्या हाल है तुम्हारे, तुम यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई हो स्टेयर पे, क्या हो गया तुम्हें इतनी दुखी दुखी, क्या हो गई मेरी बच्ची को है? यार तुम गुस्सा हो गए क्या, हाय क्यों बोल रहे हो, एक सेकेंड, इसको पता तो नहीं चल गया ना आयशा के बारे में। नहीं नहीं मैं क्यों होंगी गुस्सा, अरे वो ना देखो ना कल ना मैं आ नहीं पाया था, वो ना पता है वो वही बताने के लिए तुम्हें आया था, मेरे पापा को ना कुछ हो गया तो उनको ना डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मुझे ना दो दिन के लिए उनको ना बाहर लेके जाना पड़ेगा। बस पहले दिन के बाद ही भूल गए ना मुझे, अरे नहीं भूला मैं भाई, नहीं भूला, तुम समझो दो को समझना पड़ रहा है। अरे देखो यार मैं भूला भूला नहीं हूँ यार, वो थोड़े पापा का यार तबीयत खराब हो गया तो समझा करो यार, फैमिली मैटर है। अच्छा अच्छा पहले बताते ना, हाँ वही तो मैं बताने के लिए कॉलेज आके पहले तुमको ही ढूंढ रहा था मैं, तो तुम मिल ही नहीं रहे थे, पूरा कॉलेज छान मारा यार, इतनी बड़ी कॉलेज है हमारी, अभी जाके तुम मिल गए, तो चलो यार कैंटीन में जाके कुछ खाना वाना खाते हैं ना, मस्त आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारता हूँ, फिर रात में मैं जाऊंगा पापा के पास पापा को लेके। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी इसीलिए तुम आई नहीं कल। अरे नहीं यार तुम तो मेरे लिए मतलब क्या बोलो यार, तुम तो मेरे लिए जान हो, तुम ना जाओ जाके मेरे लिए मस्त सा कोई खाना कैंटीन में ऑर्डर करो तुम्हारे लिए, कि मैं जस्ट थोड़ा सा वॉशरूम होके आया। ओके बेबी, ओके जी, यस जी, जाओ 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 जाओ, बढ़िया सा कोई खाना जाके मेरे लिए। अरे अरे इनसेड भाई मैंने सब देखा उधर से क्या देखा तूने? मेरे को एक बात बता, तू कल तक तो कोई तुझे घास नहीं डाल रही थी, आज तू पूरा बगीचा लेके गया। तूने कुछ नहीं देखा है भाई, मैं बहुत मारूंगा तेरे को अगर इस बात इधर से उधर हुई। इसलिए तू उस बाबा के पास गया था ना? क्या कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? अभी नाटक कर रहा है तू? तू साले उस दिन से मेरे पीछे पड़ा है यार, तू साले मेरा हर बात सुन रहा है छुप छुप के, क्या दुश्मनी है भाई तेरे को मेरे से है? अभी बता तू जाके, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, दो लेके घूम रहा है, चल रहा है साले कुत्ते बने। भाई प्लीज यार मत बता भाई, प्लीज मत बता भाई, तुझे क्या चाहिए बता? मुझे क्या चाहिए वो तू देगा क्या? मैं दोनों में से किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे लगा दोनों में से किसी को मांगेगा भैंस की। हाँ आगे बोल। उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? भाई तू मेरे को ब्लैकमेल करने का ट्राई कर रहा है साले, बहुत मारूंगा मैं तेरे को। ठीक है फिर मैं नहीं 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 ठीक है मैं दूंगा भाई तेरे को डेली 1500 करके दूंगा। ठीक है 500 नहीं बे, चल बे, मैं नहीं बताऊंगा इसके बदले, भाग यहाँ से। डेली का कितना चाहिए भाई बता? 1000 चाहिए मुझे डेली का। 1000? साले तेरे बाप ने भी इतने पैसे कमाए हैं इसकी। 500 का तो मेरा तेल का खर्चा निकल जाता है बाइक का। चल यार ये काम बस गया वे भाई। ठीक है भाई कोई नहीं मैं दूंगा दूंगा भाई, थोड़ा सा मैनेज कर ला, 800 में बात पक्की भाई प्लीज यार, दो को संभालना पड़ रहा है तू समझ रहे ना? ठीक है चल, बताना मत भाई प्लीज, किसी को कुछ भी मत बताना ठीक है भाई। सब लोग मेरी भाई ले रहे यार, ब्लैकमेल कर रहे मैं इस कॉलेज से, अभी तो भाई जा रहा हूँ मैं यार। गाइस आज का दिन बस कैसे भी मेरा कॉलेज में गुजर जाए। ओ माय गॉड, मैं जैसे तैसे यार कॉलेज से निकला हूं दोनों को भाई, एक बार इधर जाना पड़ रहा है एक बार उधर जा, मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी मैं जल्दी से जाता हूं इस कॉलेज। तो भाई अब मेरे को डर लगने लग गया भाई साहब, वो कॉलेज पे ऐसा लग रहा है शनि है मेरे। दो दिन भाई थोड़ा चिल मारते हैं भाई, कहीं पे जाके मैं छुप जाता हूं। चलो अभी ये दो दिन बीत तो चुका है और मैं अभी यहाँ पे ना होटल लिया था रुकने के लिए, और मुकेश ने मेरे को बोला कि वो आ रहा है मेरे से अभी मिलने के लिए। यहाँ पे आ गया आ गया, हॉर्न बज रहा आ गया आ गया आ गया। हाँ मुकेश 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 आ गया भाई। तेरे को पता है तेरा घर ढूंढने में, घर क्या बोलूं, झोपड़पट्टी ढूंढने में इतना टाइम लग गया ना मुझे। भाई तू मेरी रोस्ट बाद में करियो भाई, क्या सोचा तू बता यार, मेरा दिमाग खराब है दो दिन से नहीं। दो 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 मेरे सांस लेंगे भाई, इतनी दूर से आ रहा हूँ तेरे लिए। तो देख मेरे पास ना इसका एक सोल्यूशन है, तो मैं ना तेरे को थोड़ा ध्यान
रखना, ध्यान नहीं रखा फिर जो उसके बाद जो मेरी गलती नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा मतलब देख तेरे को दोनों का टाइम देना पड़ेगा बराबर, एक को नहीं देगा तो वो बोलेगा मेरा अंकल बिल्डर है तेरे को बताया था ना मैंने, तो उनका ना भी नए अपार्टमेंट बने तो तब तक थोड़े टाइम के लिए मैं तेरे को उनकी चाबियां दे सकता हूँ उन फ्लैट्स की। तो मैं चाबी लेके क्या करूँ उन फ्लैट्स की? तो तू ऐसा कर, एक फ्लैट में रख तू संच को और दूसरे फ्लैट में रख वो अपनी दूसरी बंदी को, क्या नाम है फायशा। एक ही फ्लैट पे दोनों को रखू? अरे पागल है क्या, थोड़ा सा एक फ्लैट में रहेगा तो पता नहीं चल जाएगा क्या? अच्छा मतलब एक ही बिल्डिंग में दोनों को रखू, एक फ्लोर पे एक को रख और दूसरे फ्लोर पे दूसरे ऊपर, तो भाई उन्हें पता नहीं चल जाएगा एक ही ऐसे फ्लोर पे रहेंगे ऊपर नीचे या जो भी? थोड़ी खुद की बुद्धि लगा ले सब। मैं बताऊं, मैं बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ, ये फ्लैट तो ले लिया बट पता है इस फ्लैट पे ना जब लेने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे ना एक साइको लड़की रहती है पता है, ये हमारी जस्ट ऊपर वाले उसपे। हाँ अरे नाम तो नहीं पता मुझे उसका, कुछ भी हो जाए उससे ना तुम मिलना मिलना नहीं, उससे बात बात नहीं करना तुम, ठीक है? हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, दूसरों से क्या नाता, मैं तो हूँ ना, हम दोनों कॉलेज जाएंगे इधर आके रहेंगे मस्त घूमेंगे फिरेंगे, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, मेरा अंकल साइकियाट्रिस्ट है। अरे यार देखो तुमको किसी को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं यार, वो जैसे उसको रहने दो ना मैं संभाल लूंगी। यार तुमको क्यों पंचायत करनी है फालतू का, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन लो यार मेरी बात प्लीज, अभी तो मैं जा रहा हूँ वो थोड़ा सा काम है, मैं काम वाम करता हूँ ठीक है। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुमने उससे मिला ना मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ, इससे तुम्हें अकेले बोर हो जाऊंगी ना। अरे तुम क्यों बोर होगी, देखो मैं टीवी वीवी जो चाहिए तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ ला दूंगा यार। तो तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक हाँ, क्योंकि फालतू किसी के भाई उस पे मत पड़ो लफड़े में। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चलो फिर देखो मैं भी वो जो थोड़ा जॉब पे जा रहा हूँ जो काम करता हूँ ना मैं। हाँ बैलकनी तो है ना, तुमने घूम के देखा नहीं क्या, ये तो रहा बैलकनी, तुम नीचे जाओ। हाँ नीचे तो जाऊंगा मैं, तुम नीचे जाओ फिर देखते कितना अच्छा व्यू आता है भाई। क्यों क्या, अबे यार उसने भी नीचे से बाय करने को बोला, ये इसको भी मेरे को नीचे से देखना है। हाँ ये तो पॉसिबल है, दोनों तो अलग अलग फ्लोर में रह रहे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ माय गॉड स्निक करके चलो यार वो देख लेगी। ओ मैं आ चुका हूँ भाई इन दोनों से अभी मिलना है भाई, पीछे मुड़ते है। ओ भाई ये देखो दोनों मेरे को बाय बाय कर रहे हैं, लो मैं भी उनको बाय कर देता बाय। दो गर्लफ्रेंड ऊपर नीचे भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है बट मजा आ रहा है मेरे को तो ही। अरे आयशा क्या हाल है, यहाँ पे गार्डन में शाम में पूरा मौज मार रही हो तो तुम बेबी। अरे इनसे अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे मेरी बेबी तो स्कर्ट में तो बुरी क्वीन लग रही है। तुम मुझे बोल रहे थे कि गार्डन में आके शाम को मिलना, हाँ क्या हो गया बताओ ना। हाँ क्या है, कल क्या है, तुम्हारा बर्थडे है क्या? 14th है वे। कल वैलेंटाइन डे, यार मैं तो भूल ही गया था। ओए बच्चे क्या सुन रहा है तू, हट जा। मैं ये बोल रही थी कि इतना तुम्हारी गाड़ी अटक अटक के क्यों चल रही, थोड़ा जल्दी बोलो ना, तुम सस्पेंस बना रही हो यार। क्या तुम मुझे कहीं अच्छी डेट पे ले जाओगे प्लीज? क्या करा जाए, कहाँ पे लेके जाया जाए, सोचता हूँ कि कहाँ पे तुमको लेके जा सकता हूँ। और कल फिर कौन से टाइम पे जाना है तुमको? कल तो पूरे दिन तुम मेरे साथ रहोगे ना? देखो पूरे दिन बोले तो पूरा दिन वो थोड़ा सा, कल हाफ डे किसी और को भी देना है ना हमें क्या? हाँ ना यार वो वैलेंटाइंस डे पे भी वो थोड़ा सा मतलब ऑफिस पे ना थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ा सा सुबह से काम है तो मैं दोपहर के बाद तो आ ही जाऊंगा, इसको देना है टाइम। अरे यार वो है ना मेरा खड़ूस सा बॉस, बॉस की तो बंदी बन नहीं रही, तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ ना यार वो सारा बैस की वो उसकी जलती है, शायद उसको पता चल गया कि मेरी इतनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड है, शायद तुम्हारा बॉस अमीर है क्या, तुम गोल्ड डिगर हो क्या? ओ नहीं तो लगा मेरे को बैस की तुम्हारी बातों से ये सब क्या बोल रही हो। और मेरी संज जानू ये लो देखो तुम्हारा प्यारा सब पॉपी वाला फ्लावर लाया वे, मुझे पप्पी तो मिली नहीं पॉपी दे दिया, अरे पप्पी भी ले लो। क्या बोलने वाली थी देखो जल्दी बताओ, आ जाओ कोने में। नहीं मुझे कोने से डर लगता है। मतलब तुम्हें याद नहीं? अरे क्या याद नहीं, मेरे को सब याद है। अरे देखो यार मैं मजाक कर रहा था, बताओ क्या बात कर रही हूँ मैं। अरे हाँ कल वो तुमको किसी की मैयत पे जाना है ना, तुम्हारी माँ की मैयत पे। मेरे माँ को नहीं बोलेगा, मैं बहुत मारूंगा तेरे को बैठ के। कल वैलेंटाइन डे है तो इसके लिए मैंने तेरे लिए बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया है। किस ले लो? अरे थैंक यू, अब तो ये किस भी मेरे को बहुत ज्यादा चुभने लगी है गाइस, सीरियसली। उसको भी लेके जाना है, इसको भी लेके जाना है। अरे आयशा तो सॉरी आयशा, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करते है, मैं अभी फिर कोई प्लान बढ़िया सा सोचता हूँ, सरप्राइज नहीं। अरे मैं यही बोल रहा था कि ऐसा। अरे मेरी वो टोन पता है, मैं न्यू टोन सीख रहा हूँ ऐसे। मैं ऐसा बोला, अरे नहीं बोला मैंने ऐसा ही, यार लोग बोलेंगे इसकी दो जब जिसकी राय दो दिमाग में दो का घूमते रहे। सुन रही है मोटी थोड़ी सी, देखते तो मोटी तो हो गई है, मोटी होगी तुम्हारी माँ। मैं जा रही। अरे सॉरी यार, नीचे वाले
घर की पागल औरत के साथ ही रह लूंगा। ये पागल हो गया तू, पागल डोंग नहीं करना, डिंग डोंग बच जाएगा मेरा जिंदगी का डिंग डोंग। इधर आओ, मैं कल तुमको लेके जाऊंगा शाम को, ओके? उल्टा बोलोगे मुझे? अरे नहीं बोलूंगा, मेरी माँ जाता। ठीक है सच, ख्याल रखो तुम अपनी। चलो चलो भाई, अब मैं इसका क्या करूँ? मैं दोनों को कैसे मैनेज करके लेके जाऊँ? तुम्हारे जैसा बीएफ सबको दे। अबे नहीं, अबे मुकेश हट जाओ मेरे रास्ते से। फैनी खा रहा है क्या भैंस की? मुकेश बैठे बैठे कौन बन रहा है डॉन यहाँ का? ये रहा ये रहा। ओ चाचा पीछे देखो मुकेश। अरे इंसेक्ट, अरे तेरी है क्या? मैं सोच ही रहा था किसी चिराग आदमी के बाद सुनी सुनी सी लग रही है। अरे भाई मुकेश पता है क्या हुआ है? क्या भाई बताओ। कल देख वैलेंटाइन डे है तो भाई उन दोनों ने मेरे को बोला है कहीं पे डेट पे ले जाने के लिए शाम को। भाई अब तो मैं दोनों को शाम को एक साथ कैसे डेट पे लेके जाऊँ? मेरे दिमाग में एक प्लान आया, बट द थिंग इज कि वो बहुत ज्यादा रिस्की है, और अगर देख करना तो यही करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। प्लान बता, प्लान बता भाई, अब मेरे पे कोई रास्ता नहीं है, सीधा प्लान बता भाई। एक काम कर, तू ना दोनों को मूवी दिखाने ले जा। दोनों को मूवी दिखा? सिनेमा में क्या होता है, अंधेरा, लोग हो जाते हैं चुप। ना तुम्हें बात करने देते, ना खुद करते हैं। दोनों को कैसे लेके जाओ एक साथ? दोनों को लेके जा, तीन सीट्स बुक कर। भाई तू मेरे को मरवाएगा भाई, तेरे को मजाक सूझ रहा है इसकी? मैं मजे मारू, तीन सीट बुक करू, मिडिल पे मैं रहू, मेरे लेफ्ट में आयशा और मेरे राइट में संच। बेबी देखो अभी लाइक एड वैड चल रहा है यार, मैं शायद थोड़ी धीरे बोलना चाहिए। अरे तुम भी ऐसे धीरे विस्पर में बात करो। हाँ सही बोला तुमने, मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। अरे तो मैंने बस बता दिया कि लाइक आजू बाजू के लोग भी थोड़ा सा धीरे बात कर ले मेरी तरफ देखो तो फिर। अरे देख रहा हूँ मैं तेरी तरफ यार, मैं किसकी तरफ देखूँ, क्या करूँ? तुम तो मेरी यार साथ ही रहती हो ना, तो यहाँ पे अभी मूवी को एंजॉय करते, मूवी बस थोड़ी देर में यार स्टार्ट होने वाली है। रंज तो फिर तुम अब चुप हो जाओ। हाँ हाँ मैं बिल्कुल चुप हूँ यार। ये मेरे दोस्त ने मेरे को कहा बसा दिया मेरे दोनों साइड पे, ऐसा लग रहा है कि मेरे गले पे भाई छुरी लटक रहा है। बस मेरे हाथ पकड़ के चुपचाप बैठ जाओ। ओके, हाथ कैसे पकड़ते हैं माइनक्राफ्ट में? हाँ इंसेक्ट यार मैं किधर जाऊँ? ये बोल रही तो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, वो बोल रही तो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग है चिल्ला रहे। अरे अभी जिस मूवी स्टार्ट हुई है ना, तो इस मूवी के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए इतना ज्यादा चिल्ला रहे यार। अच्छा बोल रही है यहाँ पे, सुनो ना इंसेक्ट। अरे हाँ बोलो बोलो आयशा, क्या हो गया? से अब नहीं बैठा जा रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं प्लीज जाती हूँ। हाँ एक काम हो जाएगा तो भाई मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, वरना तो यार मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ। गई 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 गई, ओ माय गॉड। मैं मूवी तो देखने ही नहीं दी, पूरा टाइम बोलते रही। हाँ ना यार, वो पता नहीं यार किससे बात कर रही थी यार, अकेले बोली जा रही थी। ओके गाइस लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ सच के पास। चलो सच पे दो दो नेम टैग हुए। संच तुम्हारे साथ, तुमने बताया नहीं कुछ तो? हाँ कोई तो बोला था रहती है साथ में। What the heck, ये कौन है? क्वीन एल्सा। हेलो संच, ये कौन है? संच ये कौन है? इट माय बीएफ। ये लड़की कौन है? शी इज माय सिस्टर। सिस्टर? अरे तुम्हारा बहन भी है। और साली जी क्या हाल? आई एम गुड। आप बताओ। मेरा बढ़िया, एकदम मस्त चौकाचंद चल रहा है। एक्चुअली मैं अभी फॉरेन टूर से आई थी। अच्छा मतलब तुम बाहर रहती हो, इधर नहीं रहती हो? क्या थोड़ा पीछे रह के तमीज से बात कर सकते हो? ये मेरे लिए था क्या तमीज भाई? तेरी अगर वो बहन होगी तो वो मेरी साली नहीं होगी? आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ रूम। तो ब्रोकर थोड़ी हूँ मैं। अरे इंसेक ने अभी नया बिजनेस चालू करा है। कौन सी बिजनेस? मुझे खुद नहीं पता, मैं तो जॉब करता हूँ छोटा सा, और कॉलेज में पढ़ता हूँ। बहुत पैसा कमा रहा है। बहुत बढ़िया है यार, यार घर भी देख के अच्छा लग रहा है, काफी पैसा तो है। तुम्हारे लिए भी एक लेगा फ्लैट इस बिल्डिंग में। कौन लेगा भाई? तुम लोगे और कौन है? मुझे अब इसके लिए फ्लैट लेनी पड़ेगी, वैसे कोई बर्बादी पैस की। अच्छा सन सुनो ना, इधर बैठो ना, बैठ के बात करते। आ जाओ इधर बैठ जाओ तुम। यस एल्सा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बाजू पे क्यों बैठी? तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम लोग के साथ यहीं पर रहने वाली हूँ। एल्सा इधर, एल्सा इधर आना। श्योर आती हूँ थोड़ी देर में, जल्दी आ। अच्छा आई 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 आई। हाँ क्या मतलब, क्या बोल रहे थे? हम दोनों साथ में रहेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भाई सच को देखो, उसको उधर बोला कि इधर आके बैठ गई। गलत कुछ ना समझना संज, मैं सिस्टर। संज देख मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे एकदम जो नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर है ना, तो वो जो रूम है तू एक बार देख के आ कि पसंद आता है कि नहीं। अगर आता है कंफर्म करना, फिर मैं वो बाई कर लूंगा। इनसे यार मैं जब से आई हूँ,
मतलब एक अलग सी खुशबू है, समझ में आ रहा है तुम्हारा परफ्यूम है यार, बड़ा प्यारा परफ्यूम लग रहा है। मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब बॉडी काफी अच्छी लग रही है। जिम में जाते हो क्या, मतलब जिम ज्वाइन किया है, कर रहा हूँ 3-4 महीने से कर रहा हूँ जिम में। तो मैं भी सोच रही थी वही ज्वाइन कर लेती तो हम साथ में ही चल। हाँ तुमको भी जिम पसंद है, कोई नहीं तुमको मैं दूसरा जिम ज्वाइन करा दूंगा। नहीं वो एक्चुअल मतलब मेरे को ना ऐसा अकेला अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। मतलब तो ठीक है मैं देखूंगा, उधर अगर स्लॉट खाली रहेगा तो मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मेरा फ्लाइट जो है वो एक दो दिन बाद का ही था, मैं ज्यादा दिन यार रुकने नहीं वाली थी, बट जाने क्यों इधर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ दिन और रुकना चाहिए। क्या मतलब क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे को? अरे हाँ मैं बहुत ही देखो यार फनी हूँ, मतलब यही बोल रहे हो ना तुम? एक सेकंड, शायद ना मेरे को वो संज ने आवाज दी है। हाँ संज मैं आ रहा हूँ, जस्ट रुको। अरे मैं तो अपनी बात पूरी कर रही हूँ, थोड़ा सा घूम क्या, तो ये क्या भाई उसकी बहन मेरे पे लाइन को मार रही है। आयशा क्या हाल है? अरे तुम आ गए? अरे हाँ सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, वो थोड़ा सा मैं रास्ते पे, वो क्या है यार वो एक दोस्त मिल गया था, बात बात कर रहा था मैं। कहाँ चले जाते हो बार बार? अरे वो थोड़ा जाना पड़ता है इधर उधर। यहाँ पे कैसे आवाज आ रही है इसकी? इसके कितने घर है यहाँ पे? ये तो आयशा के साथ बात कर रहा है। पापा कैसे अब तुम्हारे? अरे एकदम ही बढ़िया है, एकदम ही मस्त। ये तो आयशा के साथ बात कर रहा है, आज के साथ भी, आयशा के साथ भी यार, ये तो बेटर। फिर अब डेट पर कब जाओगे? अरे जब तुम बोलो बेबी तब जाएंगे डेट। डेट की बात कर रहा है? कहाँ चले डेट पे बताओ, कहाँ जाना है तुमको? एकदम ही रोमांटिक सा ऐसा कोई कैफे बुक करता हूँ जहाँ पे तुम और मैं रहूँ, वहाँ पे वायलिन बजाया जाए तुम्हारे मेरे लिए। क्या तो सच्ची? हाँ ना, तो सांच को धोखा दे रहा है, आयशा को भी धोखा दे रहा है। थोड़ा सा और सवर कर लो, मैं जस्ट आता हूँ ठीक है। ओह माय गॉड भाई साहब लेट्स गो। टिडिंग अब देख तू, अब तू गया बेटा। कुछ बात कर रहे थे डेट वेट का, ये क्या सीन चल रहा है? तुम तो अभी सांच के साथ थे, ये आयशा के साथ कब? तुम उस घर के अंदर गई थी? ये गलत बात है यार, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और तुम उस टाइम मेरे को वो सब बातें क्यों बोल रही थी? मतलब तुम दोनों को डबल डेट कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। मैं बता, तुम्हारे पास वैस की कोई प्रूफ है क्या? मैं उससे कोई बात कर रहा था वैस की? मेरे पास ना मोबाइल फोन है, किस जमाने में हो, मैंने सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, अब वो मैं सारी की सारी बातें संज को बताने वाली हूँ। पागल हो क्या वैस की? क्या फालतू बोल रहे हो तुम? एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। हाँ क्या? बोलो पहले, अपनी गलती मानते हो कि नहीं? देखो यार ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं तुमको ना सब समझाऊंगा, मतलब क्या हुआ है मैं तुमको समझाऊंगा यार, तुम सुनो तो सही। सब सुन लिया मैंने जो मेरे को सुनना था, अब बारी आई है तुम्हारी सुनने की। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो रिकॉर्डिंग्स जाके संज को सुना दूंगी, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अच्छा तुम जो भी बोल रहे हो, तुम थोड़ा इधर आ जाओ यार, वो दोनों उधर से देख लेंगे ना, तुम इधर आ जाओ इधर। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को कुछ पर्सनल टाइम चाहिए था। हाँ बोलो क्या 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 बोल रहे हो तुम? वुड यू एक्सेप्ट मी? क्या तुम्हें एक्सेप्ट करूँ, मतलब क्या है? मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, आई हैव फॉलन फॉर यू, वुड यू एक्सेप्ट मी? पागल हो तुम? देखो यार उधर दो दो ऑलरेडी है यार, तो मैं तुम पागल हो? देखो यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे पास में से ऑप्शन है, अदरवाइज मैं जाके वो सारी बातें संज और आयशा को सुनाने वाली हूँ। मैं बोल दे रही हूँ अगर रहना है तो फिर मेरे साथ रहो, मैं बता ही दे रही हूँ। अरे तू क्या, ये क्या मतलब, तुम जानते हुए भी क्या मेरे को तुम प्रपोज कर रही हो? बिकॉज मेरे को पसंद है तो पसंद है यार, उनके ना रहू तो वो रिकॉर्डिंग में जा रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो सुनो, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें। ये भगवान क्या जुलूम है? That's good. So, आज हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे को कहाँ पे लेके चलोगे डेट पे? Our first date. नहीं होगा तो मैं तुमको कल। ठीक है मैं जा रही हूँ सुनाने आयशा। अरे नहीं मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ कुछ करता हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है। बट देखो तुम उनको बताओगे नहीं, तुम मेरे साथ रहो डेट पे लेके चलो, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ मैं हूँ आई लव यू यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ मतलब, बट बताना नहीं उनको। तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए वो फ्लैट भी खरीद देता हूँ मैं। क्या भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन एक सेकंड, ये मेरे पे कैसे दीवानी हुई? सांच देखो ना, मैं अपना ना बहुत ही फेवरेट रख रही हूँ यहाँ पे सामान, इसको छूने का नहीं ठीक है, बहुत ही मेरा फेवरेट है, मैं रख के जा रही हूँ। अब मैं जल्दी से आ चुका हूँ भाई साहब यहाँ पे, अभी ना मुझे वो संच का यार सामान चोरी करना है ना, लेके जाना है यार बाबा के पास। आओ मिल गया यहाँ पे कुछ। और मैंने संच के घर से दो सामान चुराया था। मेरे तो लग गए मेरे तो, ये वही बाबा का पोषण का कमाल है भाई।
नहीं, लाइफ के जब लगते है ना बड़े वाले लगते है भाई, अब मैं क्या करूँ तीनों को एक फ्लैट में। भाई मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा दोस्त, उसको बताऊंगा तो भाई वो खुद मुझे अभी मारेगा भाई, सही में मुझे मारेगा वो। हाय डैडी, बुलाया था क्या, हुआ कुछ काम था क्या? हाँ मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ ओके बोलिए, क्या काम था? हमारा बीएफ, हाँ एक्चुअली मैं बताने वाली थी, हाँ है एक है, मुझे मिलना है उससे। हाँ श्योर, मैं जरूर मिलाऊंगी, तो फिर उसे कल बीजी रोड वाले मॉल पर ले आना। ओके ओके श्योर, मैं ले आऊंगी। यार एल्सा, तुमने मेरे को मॉल पे क्यों लेके आया? तुम क्या बोल रही थी, कौन मिलने आएगा मुझसे? मेरे डैड, यस मेरे डैड मिलना चाहते हैं तुमसे। तुम्हारे डैड क्यों, इसलिए? अभी तो हमारे भाई रिलेशनशिप को ऐसे एक दो दिन ही हुआ है। अरे तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है, डैड ही तो मिलने आ रहे हैं, क्या परेशानी है यार, बस मिल लेंगे एक बार, तुम मिल लेना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमने कुछ घोटाला तो नहीं पकाया ना, तुमने किसी को कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं। हाँ तो कहाँ पे है तुम्हारे डैड? फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, मैं जस्ट आता हूँ। ठीक है ठीक है, टाइम से आ जाना, बता दे रही हूँ। यार गाइस, मेरे को ये संज ने भी इसी मॉल में क्यों बुलाया भाई, उसने भी बोला कि मेरे साथ मिलो भाई। क्या ये रही संज? ओए तू स्टेयर्स के पास क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार, मेरा इंतजार, तूने मेरे को क्यों बुलाया है? कहाँ थे अब तक? वो मैं बस आया था, थोड़ा मैं ढूंढ रहा था, इतना बड़ा मॉल है ना, तो मैं तेरे को ढूंढ रहा था, किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? मुझसे। अच्छा मैं समझा, ये तुम्हारा पापा है, तो तुम्हारे पापा से मुझे मिलवाने के लिए लेके आए थे? मिलो हमारे पापा से। अरे पापा जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हो आप? सुनो इनसे जरा, चलो मेरे साथ एक बार। संज तुम यही रुकना, मैं आया। हाँ बे अब बोल, अब मेरे से बदतमीजी क्यों बात कर रहे हो? ये क्या चल रहा है तेरा? क्या चल रहा है मतलब, एक सेकंड, इल्सा ने बता तो नहीं दिया ना? एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ज्यादा शरीफ बन रहा है क्या मतलब, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए, आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखिए अंकल, मैं बहुत ही सीधा अच्छा बंदा हूं, तो मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए। देखा मैंने तुझे ऊपर इल्सा के साथ, और अब संज के साथ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ऊपर एक सेकंड, तुम्हें गार्डन में था, इसका पापा वहां पे आए थे। अच्छा मैं क्या बोल रहा, अंकल ऊपर, वो ऊपर कहाँ, मैं तो नीचे ही था, जस्ट मैंने मॉल में एंटर किया हूँ, ऊपर तो अभी तक मैं गया भी नहीं हूँ, आपने शायद किसी और को देखा है। तू बता तू क्या कर रहा है मेरी दोनों बेटियों के साथ, सीसीटीवी दिखा दूंगा तुझे। नहीं 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 यार, मैं हर जगह पे क्यों फंस जाता हूँ? अंकल देखो तू चल मेरे साथ। अरे अंकल सुनो, वो हाँ अब मैं समझा यार, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मैं नहीं था, मेरा जुड़वा भाई है एक, ठीक है, जो हम दोनों सेम शक्ल का दिखते है, तो वो मेरा जुड़वा भाई है, जिसको आपने देखा होगा, तो वो हो सकता है वो आया होगा, तो एल्सा दिखी तो उसके साथ थोड़ा बातचीत, मैं आप बोलो तो मैं आपसे उससे मिलवा भी सकता हूँ। तुझे मैं नशेड़ी लग रहा हूँ? अरे यार नहीं यार, गलत समझ रहे, मैं आपको मिलाता हूँ ना मेरे जुड़वा भाई से यार, तो आप बोलो तो मैं मिलवाता हूँ आपको, अगर प्रूफ चाहिए। अच्छा एक काम कर फिर, हाँ बोलिए। मिलवा मुझे उससे आज शाम के 7 बजे। तो भाई चल भाई, यार पता है यार क्या लफड़ा हो गया है, लंबी रोड है ना, तो मैं देख तेरे को पूरी कहानी बताता हूँ। जाना का है वो तो बता, तू अभी बाबा के पास चल। हाँ भाई सुन, अभी तो मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा। भाई क्या मजाक कर रहा है तू? अरे हाँ भाई ऐसा ही हुआ मेरे साथ, छोड़ बट अभी भाई वो जुड़वा मैं कैसे करूँ यार, बाबा के पास चल यार, कुछ वो हल देंगे यार। अभी बस चल रहना, रुक जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। भाई यार अभी मैं बोल दिया मेरा जुड़वा भाई है, वैसे की मेरा कोई भाई बहन कोई भी नहीं है यार, मैं कहाँ से लाऊं अभी भाई मेरा? इधर ही रुक, मैं जाके आता हूँ भाई, मेरे को तो उसमें भरोसा नहीं है। अरे ठीक है जा भाई। भाई 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 रेसिपी तो मिल गई, पर ना थोड़ा ऐसा मुश्किल था भाई, पूरा लूट लिया उसने मेरे को। क्यों क्या रेसिपी दिया भाई? उसने ना ऐसा कुछ रेसिपी दिया है उसको, वो बनाने से और जो भी पिएगा वो देरी तरह बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ना टाइम का थोड़ा इशू है, वो आधा एक घंटा ही बन सकता है, आधा घंटा या एक घंटा दोनों कुछ तो। मेरे को रेसिपी याद है ना? नहीं नहीं, उसने मेरे को किताब दिया है। तो रेडी हो जा तू पीने के लिए यार, बहुत टाइम हो गया अभी। अरे आ गया आ गया आ गया, बना लिया। पोर्शन बना तो लिया मैंने, खाली जगह पे चल, ऐसा है कि जिसको देख पीऊंगा ना मतलब उसकी तरह ही बनाऊंगा मैं। तू पी 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 जल्दी पी जल्दी पी भाई, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है भाई। ये क्या हो रहा है। ये भाई मेरे सामने, ये क्या भाई, तेरा नाम भी सेव है भाई, मैं बन गया तेरी तरह। और चल मेरे को लेके चल उसके बाप के घर भाई, दो जुड़वा भाई आ रहा है, लेट्स गो। अभी तेरे को घर भी बताएगा उस बुड्ढे का। चल 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 भाई, जल्दी आ भाई, इसी घर में रहता है वो बुड्ढा भाई, जल्दी चल। अभी गेट तो खोल भाई पहले, भाई बुड्ढा सॉरी, हेलो अंकल, हेलो काय, ओ ये रहा बुक पढ़ रहे डैडी। हेलो अंकल, डैडी विश्वास हुआ आपको, ये देखो मेरा जुड़वा भाई, देखो
हाँ भाई आ गए आ गए आ गए भाई, आप मिले नहीं, आपकी वो बेटी बोली तो थी मिलोगे पर मिले नहीं आप। वो मॉल पे गया था ना भाई आज सुबह? हाँ गया तो था। हाँ तू वो एल्सा के साथ घूम नहीं रहा था गार्डन में? हाँ एल्सा 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 के साथ ही घूम रहा था। तो ये अंकल ने देख लिया और मैं संच के साथ था, हम दोनों सेम दिखते, तो इन अंकल को लगा कि मैं डबल डेट कर रहा हूँ। आपकी उम्र हो गई है थोड़ा ना, इसे दिमाग को जोर मत डाला करो। मतलब पापा जी आपने देख लिया ना, हम दोनों भाई भाई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ ऐसा गलत काम। बेटे मुंह बहुत चलता है तुम्हारा। हाँ वो थोड़ा चलता है, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, बच्चा है छोटा अभी। हाँ ठीक है कोई ना। अंकल हम लोग जा रहे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, आप लोग थोड़ा आप थोड़ा अपना दिमाग का इलाज करा लो यार। साला बुड्ढा कहीं को मार दे इसको। चल 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 भाई हो गया, भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेट्स गो। अरे मेरी सिस्टर अभी चली गई, आई सैड। सिस्टर मतलब एल्सा? हाँ चली गई वो। भाई तू खुश कभी मुझे अकेले रहने होंगी। अरे वो यार तेरे साथ तू कहाँ अकेली, क्या बात कर। वैसे वो कहाँ पे गई? बाहर लौट गई वो। बाहर? एक सेकंड, बाहर मतलब? अच्छा मतलब वो जो फॉरेन से वो जो आई थी वो, पता नहीं क्या जल्दी था उसे। अरे खुशखबरी है, तो बहुत बुरा हुआ यार। जाना है तुम्हें प्रॉम में। प्रॉम में? ओए कॉलेज में कब प्रॉम पार्टी होने लगा, मतलब कब है ये? पहले एंड मेरे साथ ही चलना। अरे ये तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं कहां दूसरे के साथ, क्या बोल रहे हो। एक गुड न्यूज है, दोनों को लेके जाना पड़ेगा। हाँ गुड न्यूज तो है। कल क्या है कॉलेज में? कल कॉलेज में प्रॉम है। और तुम्हारा जोड़ी कौन होगी? मेरी जोड़ी होगी वो पूजा नाम की एक लड़की है ना, वो होगी मेरी जोड़ी। अरे तो तुम मैं इसकी कैसी बातें कर रहे हो यार, मार की तो तुम कैसी बात कर रहे हो। तू भी होगी मेरी जोड़ी है ना, तू भी मेरी गर्लफ्रेंड, मैं जा रही। अरे तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा, ऑब्वियसली तू भी होगी। पूजा कौन है? पूजा वो न्यू गर्लफ्रेंड पटाया मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में। तुम्हारा वो मुकेश जीएफ है? हाँ मैं इसकी, वो मेरा जीएफ है ना। पागल हो गए यार तुम, ये सब मत बोलो यार, मैं जा रहा हूँ यार कल 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 तुमको लेके जाऊंगा। हेलो मुकेश भाई, तेरा भाई आज बहुत खुश है, पूछ क्यों? बता दे भाई तेरी खुशी कभी कभी तो आती है, वो भी सुन लेंगे। कल कॉलेज में वो प्रॉम पार्टी है? हाँ है तो सही। उस पे मेरे को दोनों को लेके जाना है, क्योंकि जो तीसरी है ऐसा वो अभी थोड़ा बाहर चली गई है, ठीक है, कुछ उसको काम वाम आया। तो क्या मतलब तू सटिया गया क्या थोड़ा सा? मतलब तेरे को पता है दोनों को लेके जाना है साथ में, तब भी तो खुश हो रहा है। अबे तो भाई तूने नशा करा है क्या भाई? वो बाबा ने वो दिया है ना, तू वो रेसिपी बता वैसे की मैं बनाता। बाबा की तू जो भी है तू ये बता एक सेकंड, देखो मैं कल से बोल रहा हूँ की आधा घंटा है, मैं आधे घंटे ले जाएगा क्या? अरे भाई तूने रेसिपी बताया ना, तू दे मेरे को वैसे की, मेरे को सब पता है, देख मैं उसका टाइम देख एक दो दिन के लिए ऐसे बढ़ा दूंगा, तो टेंशन ना ले। रेसिपी आती भी तेरे को कुछ बनाना बनाना? तू दे रहा भाई, तू यार ज्यादा बोलता है, तू दे मेरे को, मैं टाइम बढ़ा देता हूं, की कुछ नहीं होगा, तू काहे को टेंशन ले रहा है वैसे की, मैं बना भाई देख लियो कुछ हरकतें ना कर दियो। अबे क्या होगा भाई, वो बाबा ने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो वो यूज करा है वो मैं थोड़ा ज्यादा डाल दूंगा वो चीज। तुझे कैसे पता चलेगा क्या डाला टाइम ड्यूरेशन के लिए? तो इस बुक पे लिखा होगा? नहीं वो सिर्फ सामान लिखा उसके अंदर। तो वो जो जो भी सामान है वो सारा सामान मैं ज्यादा ज्यादा डाल देता, हो जाएगा भाई उसमें से कोई तो टाइम का होगा। ठीक है भाई तू कर। देख भाई तेरे भाई ने बना ली सब चीज, ज्यादा डाल दिया वैसे की, बहुत पिंक पिंक दिख रहा है ये, आई लव पिंक यू नो। भाई तेरे ऐसे शौक भी थे पता नहीं था, पर जो भी। अरे चल ठीक है एक सेकंड, एक तो ये चीज तो बता, ला दे बॉटल दे बॉटल दे। Let's go, भाई जा रहा हूँ, वो देखो आगे देखो, भाई सबको लेके जा रहा है, मैं संज को लेके जा रहा हूँ। हेलो संज बेबी, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें मजा आ रहा है बाइक पे? यस बेबी, अरे मस्त, देखो मैंने न्यू बाइक भी ले ली, चलो आज हम लोग पार्टी में बहुत ही मस्त एंजॉय करेंगे। जाओ आ जाओ संज, संज आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जल्दी आ। ये वो पहले से इतने सारे तो लोग आ रखे संज, ये देख। लाल भाई साहब, ओहो संज, संज तू भी नाचना चालू कर दे। ला 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 ला, वो देखो मेरे पीछे देखो, इंसेक्ट भी नाच रहा है आयशा के साथ। ओ माय गॉड, मुझे ना थोड़ा इधर जाके नाचना चाहिए। ला 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 ला, नाचो नाचो, सब कुछ कितनी सही से हो रहा है भाई। जस्ट इस रूम पे मैं हूँ, उस रूम पे भाई वहाँ पे आयशा है। ओ माय गॉड क्या मजे। और बंटा लोग, तुम लोग का क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? सब लोग एंजॉय करो। इंसेक्ट इंसेक्ट बहुत सड़ी, तू तू अंदर जो कोने में, कोने में क्या हुआ, इधर क्या कर रहे हैं संज, देख लेगा दोनों को। अरे तू तो मुझे छाती रखी करना, बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इफेक्ट खत्म होने वाला है। सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोल। मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो पोषण के इफेक्ट खत्म होने वाला है। पिछली बार भी जब खत्म हुआ था ना तो मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा था। अबे क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, इधर बहुत गाना बज रहा, इधर 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 इधर। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, वो मेरा पोषण का इफेक्ट खत्म होने वाला है शायद, शायद के मैं पक्का बोल रहा हूँ खत्म होने वाला पोषण का इफेक्ट। अबे यार मैंने वो सही से बनाया यार, तू क्या यार इधर तक कुछ भी होगा, मैं तेरे को बोला तू इधर क्यों, तू पागल।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। मैं तुझे बोल रहा था मैं बदल रहा हूँ भाई, तू सुन लिया अगर भाई मेरी कभी। मैंने टाइम तो बढ़ा, मैं बोला था तू खुद से मत कर, ये नहीं कि तुम्हारे पापा के पास चल, नहीं तुझे तो खुद से ही करने सारे काम। ये क्या है बेबी बोलो यार, नहीं अब देखो देखो मैं तुम दोनों को बताता हूँ। देखो ना मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मेरे को जबरदस्ती फोर्स करके बोला कि तुम मेरा पोषण पी के बन जाओ ताकि मैं दोनों के साथ में लेके चलूं। वो वैसा कुछ नहीं है यार, जैसे तुम समझ रहे हो, ये ना एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। ये आयशा की वो यहाँ पे तुम चीट कर रहे थे मुझ, मैं क्या बोलूँ अभी, इसीलिए तुम गायब रहते थे। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है, मुकस तेरी गलती है, तूने पोषण का टाइम ड्यूरेशन कैसे बढ़ाना है वो पूछा नहीं तूने उस बुड्ढे से। तो मतलब तुम इस चुड़ैल के पास जाते थे। भाई 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 इनकी लड़ाई बंद करें, मार डालें दूसरे। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लड़ो मत मैं चुड़ैल। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रुको, देखो मेरी गलती है, मेरी गलती है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं सब कुछ कन्फेस करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ कि हुआ क्या है। संजय एक बार मेरे साथ चल कोने में। कोने में क्यों बुला रहा है? मुझे तो लग रहा है ये था तेरे को मारने का, कुछ तो प्लान बना रहे हैं। देख भाई ऐसा मत बोल यार, वो दोनों लड़की भाई खा जाएगी मेरे को भाई। आज तो भाई मैं खत्म हूँ, आज तो भाई मेरे तो वांदे लग गए भाई। पार्टी में क्यों आया मैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था इसीलिए ऐसा हुआ। अभी तक सब कुछ सही मैनेज हो रहा था यार। मैं बोल रही थी कि अपन दोनों इंसेक्ट के साथ रह लेते हैं। व्हाट आयशा, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़े, संच मैं भी नहीं। क्या बोल रहा है मुकेश? गया तू गया, चाहिए थे ना किक दो तो मिल गई, तेरे को दिक्कत भी नहीं होगी कोई, खुशी खुशी रहे। मेरे को आधा बांटने की प्लान, क्या भाई भाई वो पोषण का इफेक्ट खत्म नहीं होगा। तलवार लाओ। ए देखो यार ऐसे ही नहीं है यार, मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के साथ, वैसे मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे भागो भागो भागो, आज मैं उसको काटूंगी भाई। नहीं यार ये क्या चीज है भाई, ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए भाई। मेरे को भाई इसी मुसीबत से यार बाबा ही मेरे को बचा सकता है। नहीं 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 नहीं, बाबा के पास चलो, बाबा के पास चलो। जंगल में आ चुको, कहां गए लोग? ओए अरे 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 भाई, यहां पे कहीं पे छुप जाना पड़ेगा मेरे को। ये संज कहां गया? इंसेक्ट भैंस की भाड़ में गया, इंसेक्ट मर गया यार। ओके गाइस, मैं हजरत बाबा के यहां पे आ तो चुका हूं। एक सेकंड, यहां पे इतनी शोर शराबा क्यों हो रहा है? हजरत बाबा आप कहाँ पे हो? यहाँ पे इतनी शोर शराबा क्यों है? बाबा यहाँ पे लेटे क्यों है? बाबा मर गए क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ खून पड़े हुए। अबे साले बुड्ढे, तू तेरे को अभी मरना था, तू आज का दिन जिंदा नहीं रह सकता था। वो लोग यहाँ पे यार आते ही होंगे। नहीं 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 भाई यार, अब तो यार मुझे उन दोनों के साथ ही रहनी पड़ेगी। इसका मतलब बाबा ने यार मुझे इस मुसीबत पे डाला, अब इसका सॉल्यूशन बाबा ही दे सकता था। और बाबा यहाँ पे टपक लिए।